नमस्त संस्कृताय। हम लोगों ने अभी श्चुतु संधि, ष्टुतु संधि, तोरली संधि और एक संधि पढ़ी जस्तु। जस्तु में हमने पदांत और अपदांत को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चर संधि, अर्थात जिसमें जस हो रहा था वो जस्तु संधि थी, जिसमें श्चु हो रहा था वो श्चुतु संधि थी, जिसमें ष्टु हो रहा था वो ष्टुतु संधि थी, अब जिसमें चर होगा वो चर्तु संधि होगी। चर भी एक प्रत्याहार है। चर भी क्या है? प्रत्याहार है। चर प्रत्याहार है। और जैसे इश्चु को इश्चुत्व कर रहे थे, इश्चु क्या, इश्चु का मतलब इश्चु में इश्चुत्व था और इश्टु जहाँ हो रहा था उसी को आप इश्चुत्व कह रहे थे, जस जहाँ हो रहा था उसी को आप जस्त्व कह रहे थे, तो चर जहाँ होगा उसी को चर्त्व कहेंगे। ठीक है। ये त्वा हो, त्वा का भाव यही कि अर्थात वो हो, जहाँ वो कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है। तो चर एक प्रत्याहार है। कहाँ से बनेगा चर प्रत्याहार? ख फ छ ठ थ च ट त व क प य, यानी ख फ छ ठ थ च से आपको लेना है, चर बना रहे हैं ना, और सक्सर के रा तक जाएगा। इसका मतलब च ट त क प पहला अक्षर है और सा 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 भी आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि चर मतलब वर्गों का पहला अक्षर और तीनों सा, पहला तीनों चाटा था कापा पहला और तीनों शा ना, चाटा था और कापा। तो चर्त में आप ये देखेंगे कि पहला अक्षर होगा, जहाँ जस आदेश हो रहा था वो जस्तु था, जहाँ उश्चु आदेश हो रहा था वो उश्चुत्व था, जहाँ इष्टु हो रहा था वो इष्टुत्व था, तो जहाँ चर हो रहा है वो चर्तु है, जहाँ चर हो रहा है वो चर। तो मतलब चर का होना, जस तो मतलब जस का होना, बोलो हाँ, और इश्चु का मतलब इश्चु होना, इश्चुत्व का मतलब इश्चु हो, इष्टुत्व का मतलब इष्टु हो, अब जस्तु का मतलब जस होवे ना, ऐसे चर्तु का मतलब चर होवे। अब चर प्रत्याहार आपने जान लिया, स्थानी वही रहेगा झल, जैसे आपने झलाम जसोंते पढ़ा, जैसे हमने झलाम जस झसी पढ़ा, तो झलाम जस झसी में आप क्या पढ़ रहे थे, झल के स्थान पर जस हो जाए, झलाम जसोंते में आप पढ़ रहे थे कि झल के स्थान पर जस यानी तीसरा वर्ण हो जाए, अब यहाँ आप पढ़ेंगे कि झल के स्थान पर पहला वर्ण हो जाए। अभी तक झल के स्थान पर तीसरा वर्ण हो रहा था, माने जा बा गा डा दा हो रहा था ना, अब आप ये देखेंगे कि काचा टाता पा होगा, काचा टाता पा ये चर है, इसीलिए चर तो संधि है। स्थानी वही रहेगा झल, स्थानी वही रहेगा। अब स्थानी झल के रहने पर कोई भी स्वर आता था या व्यंजन आता था तो आप जस्तु संधि कर रहे थे, वागीसा इत्यादि, और फिर आप झस यानी तीन चार तीसरा और चौथा वर्ण यदि बाद में आने लगा था तो आपने तीसरा ही किया था। अब यहाँ करना है, सूत्र में लिखा है, सूत्र देखना, सूत्र में लिखा है खर्चा, खर्चा माने खर्चा करो, नहीं, खर एक प्रत्याहार है, खर क्या है, प्रत्याहार है, और यदि खर भी प्रत्याहार है तो आप देखें ये ख फ छ ठ थ च ट त व क प य और यहीं तक जाएगा ना, सक्सर के रा से लेके ये, और चर बना था चा से और खर बनेगा खा से, बस यही तीन सूत्र उसमें भी थे, यही तीन सूत्र इसमें हैं। बस इसमें अंतर ये है कि चर जब आप बनाते थे तो पहला अक्षर आता था और खर बनाएंगे तो पहला दूसरा दोनों आएगा। चर मतलब पहला अक्षर, वर्गों का पहला अक्षर, शाखा सा तो दोनों में है, शाखा सा खर में भी है और चर में भी है, तो आपको ये बताना है कि झल के बाद खर आना चाहिए, पहले ये समझिए, झल के बाद खर आना चाहिए। और आप देख चुके हैं कि अभी आप पढ़ रहे थे झल के बाद झस आना चाहिए, तब क्या हो रहा था, जस, 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 और एक बार झल के बाद कुछ भी आ रहा था तो भी क्या हो रहा था, जस, जस, जस। अब फिर आप पढ़ रहे हैं झल के बाद खर आ रहा है तब क्या होगा, तब चर। ये तीनों को एक साथ समझ लेंगे आपको समझना आसान होगा, इधर झल 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 ही है हाँ, और उधर स्वर व्यंजन कुछ भी आ रहा था तब भी जस हो रहा था, झस आ रहा था तब भी जस हो रहा था, अब खर आएगा तो आपको चर करना है, खर आएगा तो आपको चर करना है, कर लेंगे ना इसको। तो आप पहले इसमें ना, जो आदमी प्रत्याहार जानता है उसको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, झल के बाद खर आए तो चर हो जाए, इसका मतलब एक दो तीन चार के स्थान पर, एक दो तीन चार स्थानी है, उसके बाद दूसरा और पहला और दूसरा आएगा, पहला और दूसरा, इसका मतलब आप अंकों में ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 4
और बाद में क्या आएगा? वन टू तो बराबर क्या होगा? एक. हाँ वन. ये एक दो तीन चार क्या है? ये झल है. ये एक दो क्या है? खर है. और ये क्या है? चर. तो आप झल प्लस खर बराबर चर, चाहे ऐसे बोलिए, झल प्लस खर बराबर चर, चाहे ऐसे कहिए, चाहे एक दो तीन चार के बाद एक दो आए तो एक करिए, चाहे ऐसे करिए. तो झलाम झलाम खर चर, आप ऐसा सूत्र बना लीजिए, झलाम खरी चर. नहीं, ये अनुवृत्ति से सब कुछ आ गया. सूत्र तो खर्चा बस इतने हैं. यदि आप चर्द संधि का सूत्र पूछेगा तो झलाम खरी चर नहीं लिखना है. ये तो मैं अनुवृत्ति बता रहा हूँ कि झल के स्थान पर चर हो जाएगा. कब? जब खरी, हाँ, जब खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो खरीचा में सप्तमी है खरी में. इसका मतलब ये बाद का वर्ण होगा. सूत्रों में जितने स्थान में सप्तमी होती है पर वर्ण होता है. अब आप ये समझ गए, स्थानी होगा एक दो तीन चार और आदेश होगा पहला. माने एक दो तीन चार के वर्ण अभी देखिए सब कंठ के हैं और चर में पहला अक्षर ही आता है ना, तो काका गाघा ये सब कंठ के हैं और स्थानी में इसीलिए का हुआ प्रथम वर्ण. और चाचा जाजा के स्थान पर चा होगा. टाठा डाढ़ा ये सब मूर्धा के हैं तो टा मूर्धा का है. और ताथा दाधा ये सब कहाँ के हैं? ये दंत के. हाँ, तो ता होगा. और पाफा बाभा के स्थान पर पा होगा. ये देखिए यहाँ उच्चारण स्थान की समानता दिखाई गई. क्या दिखाई गई है? समान. ये उच्चारण स्थान इसलिए लिखा गया है कि काखा गाघा और का ये उनका उच्च साम्य है उच्चारण स्थान का. ये सब कंठ से हैं. काखा गाघा के स्थान पर का ही क्यों हुआ? कंठ स्थानात्. क्योंकि स्थानी का और आदेश का उच्चारण स्थान समान है. स्थानी भी का खा गाघा इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है और आदेश में जितने पाँच ही वर्ण थे चर में, तो पांच वर्णों में का ही एक ऐसा वर्ण है जो कंठ से है, बाकी कोई नहीं. इसलिए चाचा जा झा ये चार वर्ण जो झल थे उन झल के स्थान पर चा ही हुआ. चूंकि ये सब तालु के थे, ये भी तालु का था, ये टाठा डाढ़ा मूर्धा का था, टा भी मूर्धा का है, ताथा दाधा मूर्धा का है, ता भी सॉरी ताथा दाधा दंत का है, ता भी दंत का है, पाफा बाबा ओष्ठ का है और पा भी कहाँ का है? ओष्ठ का है. और इधर आप देखिए ये दूसरा अक्षर है, ये भी दूसरा अक्षर है, ये भी दूसरा अक्षर है, ये दूसरा है, ये दूसरा, ये पहला 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 और ये भी पहला. ये शाखा सा ये खर के वर्ण है जो खर के वर्ण में कर लेंगे इसको. ये तो तालिका थी, अब उदाहरण आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा. सद धनकारा आप देखना, सद धनकारा ये द जो है ये खर है, ये झल है कि नहीं? ये सद का द झल है, ये झल है, ये हाँ. अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सद का जो द है वो जो सत का सत धनकारा होता क्या होता? सत धन कारा. यदि आप ऐसे करते तो इसमें एक नियम लग जाता कि झलाम जो सुनते से तकार को दकार हो गया. तकार को दकार, तो ये तो सत धन कारा जब आप करेंगे और सद कारा करेंगे तो यहाँ एक संधि हो गई जस्त. अब जस्त संधि में बाद में देखा गया कि आगे का है, तो एक नियम और फॉलो हो गया. क्या? चूंकि इधर भी क्या था, इधर सत का क्या था, इधर क्या था सत का, अच्छा ये सत का, ये जो सद का दा था इस दा के बाद का आ रहा था, तो एक बार सत धन कारा यदि आप विच्छेद करेंगे तो ता के स्थान पर दा होना ये जस्त है. लेकिन सद का जो दा आया आगे का आया तो जस्त बंद नहीं हुआ यहाँ पर. अब दूसरा नियम फॉलो हो गया ना, ये का जो है खर का है, खर का है, तो खर प्रत्याहार का वर्ण आने लगा और ये जो दा हुआ था जस्त का ये भी तो झल का ही है, तो फिर से एक संधि होने लगी सद धन कारा. अब ये दा को फिर से ता हुआ और ये बन गया सतकारा. क्या बन गया? सतकारा. समझ में आया? और सतकारा में यदि आपको संधि पूछे तो आपको लिखना है खरीचा सूत्र से चर्त संधि, क्योंकि ये ता क्या है? चर है. अब यहाँ दा के स्थान पर जो ता हुआ ये भी क्या है? हाँ, दा के स्थान पर जो ता हुआ ये, गा के स्थान पर जो का हुआ है ये चर है. समझ में आ गया? अब ये यही आपको देखना है. दिग धन पाला था, दिग्धन पाला गा था और आगे पा क्या था? खर का था. और ये पा क्या है? खर है. ये क्या है? खर है. ये क्या है? खर है. ये क्या है? तो ये झल है, ये खर है, ये झल है, ये खर है, ये झल है, ये खर है, ये झल है. यानी ये एक दो तीन चार है और ये एक दो में से एक है ना. ये एक दो तीन चार में से झल में से कोई एक है और ये ता था दा में, ता और था खर में दो ही वर्ण आएंगे ना,
तो इसे पहला अक्षर है, यहाँ भी पहला अक्षर है, यहाँ भी पहला अक्षर है, यानी बाद में खर के सारे वर्ण पहले ये देख लो, खर है और उसके पहले झल है। अब झल के स्थान पर आपको चर करना है, देखो दा है, मान लो यहाँ पर था भी होता तो भी ता हो जाता, कुछ भी होता है, यहाँ पहला अक्षर होना है, क्या होना पहला अक्षर, यहाँ भी क्या होना है पहला अक्षर, यहाँ भी क्या होना है पहला, हाँ ये वाला हुआ है पहला अक्षर, यहाँ यहाँ भी क्या हुआ पहला अक्षर, पहला अक्षर ही चर है ना जी। चर में तो केवल पहले ही अक्षर आते हैं, इसीलिए इसके सारे उदाहरण आपको इसी प्रकार के मिलेंगे, कर लेंगे जी। तो आप देखेंगे यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि झल के बाद खर आए तो कौन सी संधि होगी, चर्त संधि, और झल के बाद झस आए तब कौन संधि होगी, जस्त संधि, ठीक है, या झल के बाद स्वर आए तब कौन संधि होगी, तब भी जस्त संधि होगी, जस होगा जी। ठीक है, झल ही जस होगा और झल ही चर होगा, झल चर चब हो तब होगा जब खर आएगा जी। और झल यही ध्यान रखना, झल चर तब होगा जब खर आएगा जी। खर माने खरहा जी। और चर माने चरे, ठीक है, हाँ तो खर तो प्रत्याहार है, चर भी प्रत्याहार है हमारे यहाँ, झल भी प्रत्याहार है, बस ये प्रत्याहारों की संधि है समझ लो, झल झल एक दो तीन चार है और चर एक है जी। और झल एक दो तीन चार है और जस तीन है जी। और ध्यान रखना है हमें उच्चारण स्थान की समानता, उच्चारण स्थान के आधार पर ही हम उनको बांटेंगे।